गैलेक्सी एम सीरीज। एंड गाइज ये जो है ये मेरा रियलमी यू वन है, बट आज जो है अमेजोन के ऊपर कुछ फोटोज जो है गैलेक्सी एम की फाइनली आ गई हैं। और यार मैं सच में देख रहा था अभी, और भाई इस बार तो सैमसंग सच में मजाक नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे कोटेशन उन्होंने दे दी हैं लिख के भाई, एम्पावर्ड सैमसंग एम सीरीज ये वो, और भाई ऐसे मजा सा आ गया है। तो यार आज इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गैलेक्सी एम कैसा दिखता है। तो गाइस ये रहा आप लोगों के सामने उसका फर्स्ट लुक। एंड एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है Realme के डिवाइसेस से, जैसे Realme U1, Realme 2 Pro। और अगर आप लोग नॉच को क्लोजर देखो और Realme U1 की नॉच को क्लोजर देखो तो यार काफी ज्यादा सिमिलर ही है। और अगर देखा जाए ना तो Galaxy M सीरीज के अंदर मेरे को एक चीज बढ़िया लग रही है कि जो कलर है वो भी भैया Realme जैसा ही है। तो जो बॉर्डर्स दिख रहे हैं मेरे को वो भी काफी ज्यादा सिमिलर Realme U1 जैसे लग रहे हैं। बट है यार हाँ, ये जो फोन है कैटेगरी उसी का है, तो मतलब कुछ ना कुछ कॉपीड होगा। बट यार ये बोलूंगा सैमसंग कुछ अच्छा स्टेप कर रहा है। अब यहाँ पे ना एक चीज बड़ी अजीब करती है हर एक ब्रांड। देखो दिखने में फोन मतलब ऐसा होगा ही नहीं, मतलब उसकी बेजल दिखा रही है बिल्कुल 0.01 mm वाली। और भाई यहाँ पर सच बताऊं इसकी इतनी छोटी बेजल्स नहीं होने वाली, जितनी Realme U1 के अंदर है उतनी होगी, उतनी हो सकती है, बट नॉट कि ये जो दिखा रहे हैं उतनी होगी। पता नहीं ऐसा ब्रांड क्यों करती है पाइप, पता नहीं क्यों। लेकिन भैया सबसे पहला कोड जो दिया है अमेजोन के ऊपर, आई एम इनफाइनाइट, तो मतलब इन्फिनिटी डिस्प्ले वाला कुछ कॉन्सेप्ट वाला टाइप है, विद अ डिस्प्ले दैट लेट्स यू हैव मोर ऑफ एवरीथिंग। तो गाइस ये है इसका नाम, भैया बिल्कुल कोटेशन दे रखी है। और 28 जनवरी को जो है ये फोन फाइनल रिलीज होने वाले हैं। अब यहाँ पे बताया तो ये जा रहा है कि M10, M20 एंड M30 आने वाले हैं। तो देखते हैं ये कौन सी सीरीज का स्मार्टफोन होता है। मुझे लगता है कि ये M20 हो सकता है दिखने में तो यार। और अगर ये M10 हुआ जो कि सबसे छोटा भाई है अपनी उस सीरीज का, तो भाई अगर ऐसा दिखता है तो मैं मतलब सोच नहीं सकता कि जो M30 होगा कैसा दिखता होगा। बाकी सेकंड जो कोट है वो लिखा है आई एम सोशल विद एन अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो भाई सैमसंग ने अपना जो जादू है फाइनली डाल दिया है। भैया हर एक फोन में डेप्थ सेंसिंग वाला कैमरा दिख रहा था, लेकिन सैमसंग ने बोला हमारे को भीड़ से अलग दिखना है, तो उन्होंने अल्ट्रा वाइड कैमरा डाल दिया। एंड गाइस ये सच बताऊं काफी ज्यादा सिनेरियोस के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और मैं हमेशा ये चाहता हूं यार, जो आपका कैमरा है जो सेकेंडरी लेंस अगर उसे इस्तेमाल करना ही है तो यार अल्ट्रा वाइड एंगल वाली डालो यार, सही रहेगा, क्योंकि हम लोगों से उससे ज्यादा एक अच्छा अलग पर्सपेक्टिव मिल सकता है फोटोज का। तो सैमसंग ने यार वो कर दिया है। एंड गाइस दिखने में तो यार ये बॉडी जो है ना मुझे काफी सिमिलर लग रही है लाइक मेटल कंस्ट्रक्शन की, बट अब यार ये आने के बाद ही पता चलेगा कि प्लास्टिक है या फिर मेटल है। और जितना सैमसंग के बारे में पता है कि वो लोग जो है अच्छा बिल्ड क्वालिटी वाला फोन देते, तो शायद इसके अंदर मेटल ही देखने को मिले। देन थर्ड आता है आई एम चार्ज विद एन ओ माई गॉड बैटरी। तो OMAH बैटरी, ओ माई गॉड बैटरी टाइप। तो भाई MAH की जो बैटरी होगी उसमें हिंट करा गया था कि 5000 mAh की होगी। तो भाई आप लोगों को पता है कितना तगड़ा इसकी बैटरी लाइफ होने वाली है। तो भैया सारे के सारे जितनी ब्रांड्स है, Realme, Asus, Xiaomi, Huawei, Honor, सब बच के रहो, भैया सैमसंग वापस आ रहा है। और जिन लोगों का सैमसंग से भरोसा उठ चुका है, मैं सच बता रहा हूँ सैमसंग 2019 के अंदर वो अपना भरोसा वापस लेके आएगा। यार जब कंपनी कुछ अच्छा कर रही है तो यार हमारे को उसको प्रेस करना चाहिए। अब ये तो नहीं ना भाई कंपनी अच्छा कर रही है और हम लोग बोले नहीं भाई ये अच्छा नहीं है। यार जब अच्छा कर रही है तो यार ऑब्वियसली अच्छा है, जब अच्छा नहीं करते तो कहते नहीं अच्छा है। देन नेक्स्ट है आई एम क्विक विद 3x फास्ट चार्जिंग टू गेट यू मूविंग इवन बिफोर यू कैन से ASAP। तो बेसिकली यार इसके अंदर USB Type C विद क्विक चार्ज देखने को मिल जाता है। तो भाई ये फोन के अंदर जो चीज आप लोग बजट के अंदर सोच सकते हो सब कुछ डाल दी है। तो USB Type C फाइनली डाल दी भैया सैमसंग ने बजट फोन के अंदर। तो भाई ये और बढ़िया बात है, जो और कंपटीशन उनसे अलग कुछ कर रहे हैं। और 3x फास्ट चार्जिंग बेसिकली 3.0 वाला जो क्विक चार्ज है, तो देखते हैं क्या रहता है। मेरे को लग रहा है इसमें क्वालकॉम का प्रोसेसर होने वाला है, प्रोसेसर के बारे में तो कुछ बताया नहीं है बट लग तो हो ही रहा है। देन नेक्स्ट कोट है विद अ पावरफुल प्रोसेसर टू अप योर गेम ऑलवेज आई एम जिपी। तो बेसिकली यार पावरफुल प्रोसेसर होने वाला जिसकी हिंट तो दे दिया, तो मुझे लगता है कि स्नैपड्रैगन 660 हो सकता है, 636, 660 और 6 कुछ ऐसी करके कॉम्बिनेशन नहीं अलग अलग फोन के अंदर। मैं सच बता रहा हूँ यार ये सैमसंग तबाही मचा देगा मार्केट के अंदर, सच्ची बता रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा था भैया नीचे एक चीज़ के लिए मैं पढ़ना चाह रहा था, प्रोडक्ट इमेजेस शोन आर रिप्रेजेंटेशनल पर्पसेस ओनली, एक्चुअल प्रोडक्ट में वेरी। हाँ भैया वेरी करेगा क्योंकि आपने पता नहीं इतनी कम बेजल दिखाई है। सो गाइस ये है गैलेक्सी एम सीरीज का फर्स्ट लुक। और मेरे को पता है कि ये फोन
मेरे को पता नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सामने से आप लोगों को रियलमी यू वन जैसा ही देखने को मिलेगा। वही सेम चिन देखने को मिलेगी, वही सेम आपको नॉच देखने को मिलेगी। तो वाटर ड्रॉप नॉच एक तरीके से आप लोग कह लो इसके अंदर भी मिलने वाली है। सो यार मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गैलेक्सी एम सीरीज़ के अलावा, मैं शायद इस फ़ोन का आप लोगों को अनबॉक्सिंग दे दूँ खरीद वरीद के, देखते हैं क्या रहता है। अगर ये फ़ोन आप लोगों को पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई इस वीडियो को बड़ा सा लाइक, चैनल और सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। और मिलता हूँ आपसे कल एक और वीडियो के अंदर। Thanks for watching.